हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ईमेल मार्केटिंग। यानी आज के वीडियो और आज से आने वाले कुछ वीडियो में हम लोग ईमेल मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, ईमेल मार्केटिंग के टूल्स वगैरह देखेंगे, किस तरीके से हम उनको यूज कर सकते हैं, इन सारी चीजों को समझेंगे। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में, जैसा कि हर सीरीज में हम लोग करते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बेसिक समझने वाले हैं कि ईमेल मार्केटिंग क्या होती है। और एक दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो ये कि ईमेल मार्केटिंग को लेकर बहुत से बिगिनर्स में कुछ कंफ्यूजन रहता है कि आखिर ईमेल मार्केटिंग क्या है। ठीक है, तो उन दो तीन पॉइंट्स को हम लोग पहले देखेंगे और उसके बाद मोटे मोटे तौर पे ईमेल मार्केटिंग की प्रोसेस को देखने वाले हैं कि ईमेल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो मैंने आपको बताया किन चीजों को लेकर लोगों में कंफ्यूजन होता है, उसकी हम लोग पहले बात कर लेते हैं। बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि अब ईमेल मार्केटिंग का टाइम नहीं है, यानी कि अब ईमेल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने रिलेवेंट नहीं है, आरओआई के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने रिलेवेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ईमेल मार्केटिंग का एक ऐसा टूल है जो आज भी B2B, चाहे आप B2B मार्केटिंग करना चाहें, यानी बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग करना चाहें उसमें भी, और चाहे आप तो बिजनेस टू कंज्यूमर अगर मार्केटिंग करना चाहें उसमें भी, तो B2B और B2C दोनों ही मॉडल्स में, दोनों ही तरीके की मार्केटिंग में ईमेल मार्केटिंग रिलेवेंट है, आज भी रिलेवेंट है। ठीक है, मैं किसी भी तरीके के नंबर्स के ऊपर नहीं जा रहा हूं कि कितने ईमेल सेंड किए जाते हैं, ये आज ओपन रेट कितना है ईमेल्स का, इन सारी चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे, कुछ ग्लोबल फैक्ट्स है उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बट अभी मोटे मोटे तौर पर इस चीज को समझ रहे हैं कि ईमेल्स, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आज भी ईमेल्स बहुत ज्यादा रिलेवेंट है और आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का एक पार्ट ईमेल मार्केटिंग होना चाहिए। देन सेकेंड जो पॉइंट है वो ये है, ईमेल मार्केटिंग इज नॉट स्पैमिंग। इसको बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, इस चीज को लेकर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है कि अगर उन्हें कहीं से ईमेल लिस्ट मिल गई, ठीक है, कुछ ईमेल एड्रेस मिल गए, ईमेल लिस्ट मिल गई, पैसे देके भी अगर कहीं से उन्हें ईमेल एड्रेसेस मिल जा रहे हैं तो वो ले रहे हैं और उसके बाद ईमेल्स फायर करना शुरू कर देते हैं, ब्लाइंडली ईमेल्स फायर करना शुरू कर देते हैं, रैंडमली कुछ भी ईमेल्स में लिख के कुछ भी फायर करना शुरू कर देते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, ये ईमेल मार्केटिंग नहीं है, ये स्पैमिंग है। यानी कि मैं तो ये कहूंगा ये मार्केटिंग ही नहीं है, किसी भी तरीके की मार्केटिंग नहीं है। आप अपनी एफर्ट, एनर्जी, पैसा और दूसरों को जिनको आप ईमेल्स भेज रहे हैं उनका भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, उनका भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो ईमेल मार्केटिंग एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मॉड्यूल है, एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मॉडल है, एक बड़ी स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग अप्रोच है, इसको आप स्पैमिंग की तरह नहीं कर सकते। ठीक है, तो दो चीजें समझ में। तीसरा, ईमेल्स आर ऑलवेज सेंड टू प्रोस्पेक्ट्स, ये भी चीज है। ठीक है, कई बार आपने क्या किया, आपने अपने निश के ईमेल्स ले लिए, फॉर एग्जांपल स्पैमिंग आपने नहीं करी, पैसे देके नहीं खरीदे ईमेल्स, लेकिन आपने कुछ निश के जो है ईमेल्स वो कलेक्ट कर ली, इस चीज को समझिएगा, और उनको आपने ईमेल्स भेजने शुरू कर दिए। इट इज अगेन नॉट ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में जो ईमेल्स होते हैं वो हमेशा प्रोस्पेक्ट्स को सेंड किए जाते हैं, प्रोस्पेक्ट्स को रैंडम आप नहीं सेंड कर सकते ईमेल्स, वो ईमेल मार्केटिंग नहीं हुई। ठीक है, वो तो आप ईमेल्स भेज रहे हो, ठीक है, कोल्ड कॉलिंग की तरह, जिस तरह हम टेलीफोनिक कोल्ड कॉलिंग करते हैं ना, वो चीज हो गई वो। बट अगर आप प्रोस्पेक्ट्स को भेजेंगे ईमेल, देन इट इज एक्चुअली ईमेल मार्केटिंग। अब प्रोसेस को देख लेते हैं, ये तीन पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे जिसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ईमेल मार्केटिंग आखिर होती क्या है। और आज भी बहुत से लोग ईमेल मार्केटिंग को यूज करने में हिचकिचाते हैं, उनको लगता है ये ट्रेडिशनल मेथड है, आज के टाइम में नहीं यूज होता है, आज तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करो, गूगल एड्स चलाओ, फेसबुक मार्केटिंग करो, ये सारी चीजें करो, देन इट्स ओके, ईमेल मार्केटिंग में आप अपना रिसोर्सेज मनी मत यूज करो। तो इट्स नॉट लाइक दैट, मैं आगे आने वाले वीडियोस में इन सारी चीजों को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला, अभी आप इस चीज को समझ लें। देन प्रोसेस की बात करें तो यहां पर मैंने 6 स्टेप प्रोसेस लिखी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो 6 मेजर स्टेप्स हैं। ठीक है, यही नहीं है, इस चीज को समझो। जैसे मैंने बात कहा कि यहां पर लिखा हुआ फाइंड वे फॉर पीपल टू साइन अप, तो साइन अप कराने के लिए बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बहुत अलग अलग टूल्स हो सकते हैं, बहुत अलग अलग स्ट्रेटजीज, सब कुछ हो सकती है। तो ये मोटे मोटे तौर के ऊपर एक प्रोसेस का एक पार्ट है, इसके अंदर बहुत सारी सब प्रोसेसेस हो सकती है जिनको हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, जब एक एक चीज को इन डिटेल लेकर जाएंगे और एक एक चीज के अंदर भी बहुत सारी चीजें आ जाती है। पहली बात जो है हमारी ईमेल मार्केटिंग में, जो सबसे पहले स्टेप होता है पूरी प्रोसेस, वो होता है डिफाइन योर ऑडियंस। अब डिफाइन योर ऑडियंस एंड क्रिएट योर ऑडियंस में फर्क है। क्रिएट योर ऑडियंस में आपके पास ईमेल एड्रेसेस होने चाहिए। डिफाइन योर ऑडियंस का मतलब होता है बायस पर्सना, ठीक है, डिफाइन योर ऑडियंस का मतलब होता है आपकी ऑडियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, आपकी ऑडियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका एज ग्रुप्स क्या है, उसकी डेमोग्राफिक्स क्या है, ये डिपेंड करता है आप किस तरीके के प्रोडक्ट को या सर्विस को ईमेल्स के थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं, या क्या चीज है जो आप ईमेल्स के थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं, किस टाइप के लोगों को आप ईमेल्स अपना दिखाना चाहते हैं, आपकी आइडियल
जो ऑडियंस है वो क्या होगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, उसका एज ग्रुप क्या होता है, उसकी डेमोग्राफिक्स क्या होती है, उसके इंटरेस्ट क्या होते हैं, उसके इनकम पैटर्न क्या होते हैं, उसकी हॉबीज क्या होती है, उसकी बाइंग पैटर्न क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो आपका एक ऑडियंस सेट होना चाहिए जिसमें जिसमें ये बात क्लियर हो कि आपकी ऑडियंस किस तरीके की होती है। देन डिफाइन योर गोल्स एंड मैट्रिसेस। गोल्स एंड मैट्रिसेस थोड़े से न्यूमेरिकल अप्रोच के हो, या न्यूमेरिकल वर्ड नहीं यूज करें, एक्चुअली क्वांटिटेटिव हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर आपके जो गोल्स हैं और जो मैट्रिसेस हैं वो क्वांटिटेटिव होनी चाहिए। क्वांटिटेटिव का मतलब ये हुआ जिनको आप नंबर्स वगैरह से जस्टिफाई कर सके। अगर आपने कोई ऐसा गोल ले लिया जिसका कोई न्यूमेरिकल जस्टिफिकेशन नहीं है, जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जिसको आप नंबर्स में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमने कहा कि हमें 100 प्रोडक्ट सेल कराने हैं, ठीक है। 100 प्रोडक्ट सेल कराने का मतलब हमारा जो गोल है वो क्या है, हमें सेल कराना है, और सेल कराना है 100 प्रोडक्ट्स। तो हमें बात समझ में आती है कि हमें ईमेल मार्केटिंग के थ्रू 100 प्रोडक्ट्स हमें सेल कराने, ये हमारा गोल है। हमने कहा कि हमें केवल प्रोडक्ट सेल कराने, ये कोई गोल नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि अगर उसमें क्वांटिफिकेशन नहीं है, उसकी क्वांटिटी नहीं डिफाइन कर रहे हैं आप, ठीक है, उसमें एक नंबर नहीं दे रहे हैं, तो हमें फिर जज करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, हमें इवैल्यूएशन में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, हमें मेजरमेंट में प्रॉब्लम होगी, क्लियर है। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पर वो फाइंड वेज फॉर पीपल टू साइन अप, ठीक है। हमें पता है हमारी ऑडियंस किस तरीके की होगी, हमें पता है हमें क्या मेजर करने हैं, हमारे गोल्स क्या है। अब हमें ईमेल्स पकड़ के लाने हैं कहीं से, ठीक है, हम अब हमें ईमेल्स पकड़ के लाने। तो अगर हमें ईमेल्स लाने हैं तो डेफिनेटली हम ईमेल्स के लिए कुछ ऐसा फॉर्म वगैरह बनाएंगे जहां से हम ईमेल कलेक्ट कर सकते। तो बहुत से तरीके हो सकते हैं, हम लीड मैग्नेट बना सकते हैं, वहां से ईमेल्स कलेक्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लीड, ठीक है, वो ईमेल्स कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, इसी की मैं बात कर रहा था, इसमें हम लोग आगे देखेंगे अलग अलग कौन से मेथड्स हो सकते हैं यहां से हम ईमेल निकाल सकते हैं। तो तीन पॉइंट्स हो गए। उसके बाद ईमेल का कैंपेन टाइप। अब कैंपेन टाइप है कि हम किस टाइप के ईमेल्स भेजेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डेली भेजेंगे, वीकली भेजेंगे, मंथली भेजेंगे, एक के बाद एक किस तरीके से ईमेल्स लाइनअप करेंगे, एक के बाद किस तरीके से हम स्टोरी बना के ईमेल्स भेजेंगे, इन सारी चीजों की बात होती है। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप है ईमेल मार्केटिंग की प्रोसेस का। अब ईमेल्स जाने लगेंगे, ठीक है। फिफ्थ जो स्टेप है वो एक्चुअल स्टेप है कि हमें ईमेल्स फायर करने, ठीक है। इन सब में बहुत टाइम लगता है, इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस, यानी कि बायस पर्सोना ही निकालने में, रिसर्च करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर आपको लग रहा होगा एक सिंपल से स्टेप्स हैं, सिंपल स्टेप्स नहीं है, इनके अंदर बहुत सारी सब प्रोसेसेस हैं। देन हम ईमेल्स भेजेंगे और उसके बाद मेजर रिजल्ट्स करेंगे। मेजर रिजल्ट्स किस बेसिस पे, इसके बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोगों ने गोल्स डिफाइन किया, जो मैट्रिसेस निकाली थी, इनके बेसिस पे हम अपने रिजल्ट्स को मेजर करेंगे कि हमने क्या अचीव किया और क्या नहीं अचीव किया, किस चीज को हम मिस कर गए, किस चीज को हम और अच्छी तरीके से कर सकते थे, कहाँ पे हमारे लिए लूप होल्स थे, इन सारी चीजों को। इट्स एक्चुअली एनालिसिस एंड मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग, ठीक है, ये वो वाला पार्ट है हमारा, ठीक है, मेजर रिजल्ट्स वाला। तो ये मोटे मोटे तौर पे 5-6 प्रोसेसेस हैं यहाँ जो ईमेल मार्केटिंग में होती है, या एक ईमेल मार्केटिंग कैंपेन के अंदर जो होती है। इसके अंदर मैंने फिर से बताया, इसके अंदर जो है सब प्रोसेस बहुत होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, ईमेल मार्केटिंग की ही बात करेंगे नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।